हाय, मैं हूँ अदनान सामी। हाय, मैं हूँ अदा शर्मा। और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। वेल, तू याद आया, बहुत अरसे से मैं और भूषण कुमार हम बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम काफ़ी अरसे से, तकरीबन 6-1 महीने से हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एक नया गाना करना चाहिए और दोबारा से एक गानों का सिलसिला शुरू करना चाहिए इकट्ठे। और तो हमने बहुत सारे गाने सुने और बहुत सारी सेटिंग्स हुई, और फिर हमने कई गानों में हमने कहा कि ये दूसरा हो सकता है, ये हमने शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। तो फिर अचानक ये गाना आया जो कुणाल वर्मा ने लिखा है बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो हमने फिर जब इसको सुना तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम इसके साथ शुरुआत करें, और इसकी जो 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 मेलोडी है बहुत बहुत सिंपल सी मेलोडी है जो कोई भी गुनगुना सकता है, और इसकी शायरी भी ऐसी है जो कोई भी समझ सकता है, मुश्किल शायरी नहीं है, और उसके बावजूद जो सोच है वो बहुत खूबसूरत और गहरी है। तो हमको दोनों को ये गाना बहुत पसंद आया, तो फिर हमने कहा कि इस गाने को के साथ शुरू करते हैं। फिर जब इसकी वीडियो पे हम काम करना शुरू किया, हमने उसकी स्टोरी लाइन पे और उसकी वीडियो बहुत खूबसूरत अंदाज में अरविंदर खेरा ने डायरेक्ट की है, तो जब हमने उसकी स्टोरी लाइन पे तवज्जो दी तो हम सब के दिमाग में ये ख्याल आया कि अधा अगर इसमें इस किरदार में अगर आएंगी तो उसको बखूबी से निभाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं था, और क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे की ज़रूरत है लेकिन एक बड़े अच्छे परफॉर्मर की ज़रूरत है जो बहुत अच्छे तरीके से इमोट भी कर सके अलग अलग अंदाज में। एंड अदा इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड उन्होंने जिस तरह से इस वीडियो में अपने फ़न का मुजाहरा किया है वो तो सबके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, शी डन एन अमेजिंग जॉब। ये नहीं कि वो मेरे साथ बैठी है तो मैं कह रहा हूँ लेकिन हकीकत है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो तो कमेंट्स में भी आपको दिखेगा। तो यही चीज़ होती है जब आप एक चीज़ बनाते हैं और उसमें सब लोग जो जुड़ जाते हैं और वो जिस लगन के साथ जब काम करते हैं तो उसी से एक ज़बरदस्त जो इम्पैक्ट आपके सामने आता है वो सबकी मेहनत की वजह से है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि हम सब ने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिस तरीके से लोगों ने इसको पसंद किया है, कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोग, बल्कि उसके जो मज़ेदार किस्म के वीडियोस भी बन रहे हैं जो लोग बना रहे हैं, यू नो, दे वेरी वेरी क्यूट, तो वहीं से पता लग जाता है कि लोगों ने किस तरीके से इसको अपनाया है, तो बहुत दिली खुशी होती है। देखिए, अब भूषण बहुत कीन है कि तेरा चेहरा को दोबारा रिक्रिएट करें, तो देखिए बात ये कि लेट्स सी हाउ इट डेवलप्स। कुछ ऐसे गाने हैं जो मज़ा आएगा उनको रिक्रिएट करने में। मैं जब भी कोई गाना कंपोज करता हूँ तो उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन भी मैं बना देता हूँ, तो एवेंचुअली एल्बम में आपको एक ही वर्जन रखना पड़ता है। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ और वर्जन्स जो मेरे स्टॉक में कहीं पड़े हुए हैं तो शायद उनको निकाल के हम कहें कि चलो लेट्स प्रेजेंट इट इन दिस वे नाउ, तो लेट्स सी। देखिए, बात यह कि अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे, मुझे कि मैं वो मेरे बड़े करीब भाइयों जैसा रिश्ता है मेरा उनके साथ, और हम बेहद मैं उनके फ़न की बहुत कदर और इज़्ज़त करता हूँ, और वो भी मेरे बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, मैं भी। तो उनके साथ पहले भी हमने जब भी इकट्ठे काम किया है तो बहुत मज़ा आया है और बहुत लुत्फ आया उनके साथ काम करके। तो जब भी मौका मिलेगा मैं
खुशी से करूँगा। फर्स्टली आई हैव टू से कि आज प्रमोशंस में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज व्हेन यू प्रमोट समथिंग विद समवन, उनकी रियल लाइफ के बारे में आपको बहुत जानने का मौका मिलता है। एंड आई हैव टू से आई रियली एंजॉयड प्रमोटिंग द सॉन्ग विद यू, बिकॉज ये बहुत अच्छे से यू आर्टिक्यूलेट वेरी वेल इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड हाँ, मल्टीपल नाउ यू से अफगानी हुसैन, इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स एंड बहुत मज़ा आता है, बहुत इंस्पिरेशनल है। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ जो ये पियानो बजाते हैं, मैं थोड़ा बहुत बजा लेती हूँ। एंड आई वॉज टेलिंग हिम माई सर सेज एवरी टाइम आई प्ले वेल ही इज़ लाइक ओट योर सामी टुडे, सो दिस इज़ बिन हैपनिंग फ्रॉम वैन बिफोर 1920। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म में 1920 में ही वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, द पीस दैट वी हैड दैट ब्यूटिफुल पियानो पीस वॉज हिज, सो आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो में ऑल्सो इट्स अ वेरी जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है और काफ़ी क्लासिकल अंदाज से एक फेरी टेल जैसे पेश किया है, सो आई फील वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस।